नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त बिहार के सहरसा जिला के सौर बाजार नगर पंचायत में हम हैं, और जैसा कि आप जान रहे हैं बिहार में नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, जिसके प्रथम चरण के लिए प्रत्याशी जोर शोर से चुनावी मैदान में जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। इस वक्त हम लोग सौर बाजार नगर पंचायत से मुख्य पार्षद पद की उम्मीदवार नर्मदा गुप्ता जी हैं, उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, साथ ही उनके कुछ समर्थक भी हमारे साथ जुटेंगे। तो बातचीत करने के साथ साथ ये जानने की कोशिश होगी कि आखिर क्यों नर्मदा जी इस बार चुनावी मैदान में कूदी हैं और क्या कुछ उम्मीद उनके समर्थक और उनके प्रतिनिधि कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आनंद जी। एक बिजनेसमैन के तौर पर आपको जाना जाता है, इस क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में कई योगदान रहा, कोरोना काल में आप लोगों ने काम किया है, बिजनेस गुड़गांव, उसके बाद चुनाव में आए हैं और प्रत्याशी के तौर पर जनता के समक्ष हैं, क्या रणनीति है? आपके चैनल के माध्यम से हम सौर बाजार सभी ग्रामवासियों को मेरा सादर प्रणाम। मुद्दा ये है कि हम सौर बाजार में पहले बाहर वगैरह पढ़ते थे, लिखते थे, बिजनेस भी था। अभी 10 सालों से हम सौर बाजार में आए हैं, बहुत सारे प्रतिनिधि यहाँ से जीते और सबको मैंने देखा। तो जितना भी सरकार के द्वारा गरीबों का जो सहयोग राशि आता है वो सही सलामत गरीबों के पास पहुंचता नहीं है, और उसमें बिचौलिया बहुत ज़्यादा है। उसमें जितना भी है बिचौलिया, उस बिचौलिया को प्रथम हम हटाने के लिए, अपना उसके हक को दिलाने के लिए हम मैदान में कूदे हैं। एक सवाल और रहेगा, प्रत्याशियों की सूची को जब देखते हैं हम, तो 11 प्रत्याशी मुख्य पार्षद से चुनावी मैदान में हैं। आपने कहा उम्मीदवार कई जीते, आपसे भी सवाल रहेगा और ये तीखा सवाल कि आप पे कैसे जनता भरोसा कर ले कि भाई आप बढ़िया काम कीजिएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा? देखिए, सबसे पहली बात है क्या कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ पे जीतते हैं, आप उसका अभी का आप बायोडाटा देखिए या उसका अभी का संपत्ति देखिए, उसके बाद ऐसा कैसे हो जाता है कि 5 साल में वो संपत्ति 10 गुना हो जाता है? ये सोचने की योग्य है कि वो संपत्ति 10 गुना कैसे हो जाता है। तो ये हमको कहना नहीं है, ये पब्लिक और जितना भी वोटर है वो खुद समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है। एक, यदि हमको पैसा ही कमाना होता, मेरा इतना सारा बिजनेस है और हम भी और एक दो बिजनेस बढ़ा लेते तो और गाँव में जा के और अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। कुछ समर्थक भी जुड़ेंगे हमारे साथ, आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा चेहरा इस बार जो है आप लोग प्रतीत करते हैं सौर बाजार नगर पंचायत से चेयरमैन के लिए? हम लोग जो है ना, विगत 15 साल से बहुत सारा जो है देखे हैं मुखिया वगैरह को, और उनको सपोर्ट भी किया है, किया हूँ, लेकिन वो धरातल पर कोई काम अभी तक नहीं किया। ये हमारे सौर बाजार के प्रति बहुत जागरूक हैं, कोरोना काल में इनके द्वारा बहुत सारा काम किया गया है। आप युवा हैं, आप लोग क्या नीति बनाए हैं, किस मुद्दे पर इस बार जनता वोट करेगी यहाँ की? हम लोग जो है सर, जनता जो है इस साल जो पंचायत में जो काम हुआ, जो पूर्व थे वो कुछ भी काम नहीं किए हैं, सब अपना झोली भरने में लग गए हैं। हमारा जो प्रत्याशी है जनता को देखेंगे और काम करेंगे आगे, इसलिए हम लोग चुने हैं। उम्मीद कर रहे हैं नम्रता जी से कि एक अच्छे उम्मीदवार आप 100% जनता का सपोर्ट है, ढेर सारा सपोर्ट है। किन मुद्दे पर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? पहला एक मुद्दा ये भी है, लोग कहते हैं भाई शिक्षित उम्मीदवार को चुनावी मैदान में लाया जाए तो कुछ विकास जरूर होगा, विनाश तो बहुत हुआ, विकास करने के लिए प्रमुख चेहरा कौन होना चाहिए? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, हमारे ये प्रत्याशी जो कैंडिडेट हैं ये लोकप्रिय हैं, और अभी तो हालांकि चुनाव के मैदान में है और अपने भरोसे अपनी इच्छा से चुनाव के मैदान में नहीं आए हैं। हमारे यहाँ के सभी नौजवान, गाँव समाज के सभी लोग, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो देखे समाज को क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उनके अथक प्रयास से, हाँ चाहत से इनको खड़ा किया गया, हम लोग खड़ा किए हैं सर। समाज अगर इन्हें आशीर्वाद देंगे, समाज का कल्याण, सामाजिक आशीर्वाद अगर मिलेगा नम्रता जी को, तो जो उनके समर्थक है वो कह रहे हैं कि विकास जरूर होगा। आप बताइए, बिल्कुल आप ही आ जाइए, बिल्कुल बाद में वो बोल लेंगे, आप बताइए आपको क्या लगता है प्रमुख मुद्दा क्या है यहाँ का, इस बार विकास का पैमाना क्या 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 होना चाहिए? इस बार जो विकास का पैमाना होगा मेरे ख्याल से वो बहुत ही
अच्छा होगा। तो आप समझ रहे हैं कि जनता विकास के पैमाने को समझ रही है, खासतौर पर चूंकि पहली बार नगर पंचायत का गठन सौर बाजार में हुआ है और अभी जो समस्या है पूरे क्षेत्र में अगर घूम कर देखेंगे तो नगर पंचायत बनने लायक अभी भी सौर बाजार के कुछ हिस्से नहीं हुए थे। आनंद जी, ये बड़ा चुभने वाला सवाल है, सरकार नगर पंचायत तो बना देती है लेकिन बात ODF की भी कर ली जाए, बात स्ट्रीट लाइट की कर ली जाए, बात सड़क के सफाई की कर ली जाए, बात गली नली की कर ली जाए, बहुत सारे क्षेत्र अछूते हैं और भ्रष्टाचार आपने कहा पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, तो कैसे जनता को ये भरोसा दिलाइएगा कि नम्रता जी सटीक हैं, आप एक बार भरोसा कीजिए। क्या अपील रहेगी आपकी सौर बाजार की जनता से? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि सो आप पता नहीं, आप हर एक मोहल्ला या हर एक गांव का एक एक व्यक्ति या एक एक गली हम घूमे हैं कि नहीं घूमे हैं पता नहीं है। अभी भी बहुत सारा एक ऐसा जगह है कि जो जहां जाके आप देखेंगे कि वो नगर पंचायत के लायक नहीं है, ठीक है, फिर भी पता नहीं कैसे नगर पंचायत का कटिंग हुआ, क्या हुआ, ये तो प्रशासन या विगत पिछला मुखिया जाने, हम लोग को उतना आइडिया नहीं है जी, ठीक है। लेकिन अभी भी आप जाइए, मेरे पास में ही मोहल्ला है और वहाँ पे ना लाइट का कोई व्यवस्था है, ना कोई रास्ते का व्यवस्था है। थोड़ा सा भी पानी होने के बाद वहाँ पे देखिए क्या हालत है, क्या गरीबों का हालत है। अच्छा, प्राथमिक मुद्दा क्या बनाइएगा, प्राथमिकता क्या रहेगी अगर सौर बाजार की जनता जनार्दन साथ आ गई और नम्रता जी को चुनाव जिता दिया जाए तो क्या लगता है सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि जहाँ जहाँ आपको जाने आने का असुविधा है वो सुविधा, मतलब उसको रोड वगैरह सब ठीक करा के बनवा के देंगे, स्ट्रीट लाइट सारा जगह लगना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, सबसे मेन मेरा मुद्दा यही रहेगा कि जो भारत सरकार या बिहार सरकार जो गरीबों को एक एक पैसा देती है वो पैसा उनके पास सुरक्षित आनी चाहिए, बीच में कोई किंतु और परंतु, चाहे वो प्रशासन के आदमी हो चाहे प्रथा बंद किया जाएगा, बिचौलिया प्रथा बंद किया जाएगा, जेबी नहीं भरने देंगे, ना भरेंगे ना भरने देंगे। मेरा मेन मुद्दा ना जेब भरेंगे ना भरने देंगे, इस नारे के साथ इस बार नम्रता जी चुनावी मैदान में सौर बाजार नगर पंचायत से कूदी हैं और आनंद जी जो उनके प्रतिनिधि हैं स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि पूरा भरोसा सौर बाजार की जनता पर है कि इस बार नम्रता जी जरूर विजयी होंगी। बहरहाल चुनावी दौर है और इस माहौल में ये कहना उचित नहीं होगा कि सौर बाजार नगर पंचायत से मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी किस प्रत्याशी के सर पर ताज सजता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बने रहिए हमारे साथ। सौर बाजार नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में इस वक्त हम हैं और हमारे साथ यहाँ से वार्ड पार्षद पद की प्रत्याशी पूनम देवी जी जुड़ेंगे। कई लोग यहाँ पर हैं जो स्थानीय ग्रामीण हैं और कई तरह की समस्या इस क्षेत्र में आज भी विद्यमान है। सबसे पहले पूनम जी से जानेंगे कि इस बार इन्होंने एक घरेलू महिला होते हुए भी चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है, मुख्य वजह क्या है और विकास के किन मुद्दे पर जनता जनार्दन इनके साथ आने वाली है? पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत, आपका मुद्दा क्या है, क्या क्या काम कीजिएगा जनता जिताएगी? तो वार्ड नंबर से जीतेंगे करेंगे और विकास करवाएंगे, विकास करवाएंगे। कई समस्या है यहाँ पर, जैसे अभी देखेंगे आपकी नलियाँ नहीं बनी है, नगर पंचायत प्रॉब्लम है सर, अभी नाली नहीं बना है यहाँ पे, जो वार्ड का जो वार्ड स्तर पे जो काम होता है वो संपूर्ण रूप में अभी तक हुआ नहीं है और इसको किसी ने मतलब ध्यान नहीं दिया है अभी तक। जो भी है मुखिया प्रत्याशी जी रहे या जो भी रहे हैं उन्होंने अभी सही से इधर काम नहीं किया, ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा, ये बताइए कि बहुत तरह की समस्या है, नगर पंचायत तो घोषणा ही हुई है, चुनाव भी हो रहा है, इस बार आप लोग क्या सोच के मतदान करने वाले हैं? मतदान नहीं, हम लोग गाँव में पंचायत में विकास होना चाहिए। हाँ, जो विकास करेगा ऐसे लोगों को वैसे लोग हम लोग चुनेगा। तो आप लोग आकलन लगा रहे हैं, उम्मीदवार तो कई है, आकलन कुछ हो रहा है? कुछ हो रहा है लेकिन अभी इस पर संभव है जो कौन निकलेगा कौन क्या होगा, क्योंकि एक दो आप लोग मन में मूड बना लिए किसको देना है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे, क्या समस्या है यहाँ की? जो बोल दिया बाबा वही होगा। समस्या है क्षेत्र में, समस्या है, क्या क्या समस्या है? समस्या पानी वानी जमा, जल जमा होता है बहुत बरसात के दिन में, बहुत होता है।
बहुत होता है। हाँ। स्ट्रीट लाइट भी हम देख रहे हैं इधर, बिजली के खंभे पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, कैमरा पर्सन हमारे दिखा दें, आसपास भी बहुत तरह की दिक्कतें हैं। अभी तो 10 बूंद पानी हो जाए रोड पर, यहाँ से वहाँ निकलने के लिए आदमी सोचेगा, ये सब समस्या है, बहुत सा समस्या। आप लोगों को क्या समस्या, कुछ समस्या आप लोगों की है यहाँ स्थानीय तौर पर? बोले हाँ, क्या क्या दिक्कत, की दिक्कत? यह दिक्कत है जो पानी तानी के लल्ला नहीं है। अच्छा, तो कैसे प्रत्याशी का चयन इस बार आप लोग कीजिएगा, क्या सोच? बन जाते तो बन जाते बन जाते तो बढ़िया होगा, हाँ, नहीं अच्छा होगा बिल्कुल। देखिए, तो प्रत्याशी से जनता को उम्मीद भी है, लेकिन कई प्रत्याशी हैं, इनको क्यों चुना जाए? पूनम जी को चुना इसलिए सर जा रहे हैं कि हम जो विकास के लिए हम लड़ करके ला सकते हैं यहाँ पे, बोल करके ला सकते हैं, जो कि अभी लोग जो है इस चीज़ को नज़रअंदाज करके चल रहे हैं। इस वक्त बिहार के सहरसा जिला के सोनबरसा नगर पंचायत में हम हैं, और जिस क्षेत्र में है ये वार्ड नंबर 8 है। 8 नंबर वार्ड से एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में यहाँ से उतरे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हालांकि इस गांव में इस टोले से 2 प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन दिया है, यूँ तो कई प्रत्याशी इस बार 8 नंबर वार्ड से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन हम कुछ प्रत्याशियों से बातचीत करने से पहले जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जगह की, खासतौर पर 8 नंबर वार्ड की समस्या क्या है, आपकी नज़र में क्या दिक्कत और परेशानी आप लोगों को है यहाँ पर? यार सर, ये रोड देखिए कैसा है, कचरा फैला हुआ है सारे, तो ये परेशानी है, परेशानी तो ये है। हाँ, ये परेशानी। तो आप लोग क्या सोच के इस बार मतदान करने वाले हैं, विकास का क्या मुद्दा है? विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए तो ये परेशानी है, और इस परेशानी पर लोग वोटिंग करने की इस बार अपील कर रहे हैं। अब हम आपको अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप युवा हैं, क्यों आपने सोचा है कि आपको राजनीति में आना चाहिए, और सबसे पहले जो शुरुआती दौर की राजनीति है वार्ड की, नगर पंचायत की, उस राजनीति में कूद आ गया? सर, मेरा नाम राजा विश्वास हुआ है। जब से हम सर यहाँ देख रहे हैं ना कि जितना लोग सर बढ़ते हैं ना, सर मतलब अपना कह देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, चुनाव लाएंगे, बिजली लाएंगे, पानी लाएंगे, लेकिन सर जीत के जाता है वापस नहीं आता है। इसीलिए सर हम युवा होकर के अपने गांव से नॉमिनेशन भरे हैं, जीतने के बाद सर अपना विकास देखेंगे और जहां जहां जो प्रॉब्लम है सब समस्या को दूर करेंगे, रोड लाएंगे, बिजली लाएंगे, उसके बाद जो है साफ सफाई पर ध्यान होगा। अच्छा, आपके गांव में यहां पर इस टोले में अभी सबसे बड़ी मूलभूत जो सुविधा है, असुविधाएं हैं, वो क्या क्या है, जिसको आप शुरुआती दौर में जनता जनार्दन का अगर साथ मिलेगा तो निपटाने का कोशिश कीजिए? सबसे पहले मैं ये करवाऊंगा कि मुझे समर्थक और पावर मिलते ही सर मैं जो है रोड को क्लियर करवाऊंगा। ये जो सड़क है इसको आप पिचिंग कराने की सोच रहे? हाँ, ये सोच रहे हैं। बहुत दिक्कत होता है, जैसे जैसे बारिश के महीना में सर इतना मतलब पानी हो जाता है, ये सब बहुत बड़ी सड़क पे पानी लगता है, जल जमा होता है। हाँ, यही जल जमा होता है, गाड़ी सब चल नहीं पाती है, लोग सब बहुत प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब हम सोनबरसा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 के प्रत्याशी रुपेश कुमार सिंह से आपको रूबरू कराएंगे, और उनसे बातचीत करने के साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 8 नंबर जो वार्ड है सोनबरसा नगर पंचायत का, यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या क्या है, और आम जनता से भी हम बातचीत करने की कोशिश में जुटेंगे। सबसे पहले रुपेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, युवा हैं और युवा सोच के साथ चाहते हैं कि 8 नंबर वार्ड का विकास हो, प्राथमिक मुद्दा क्या है, सबसे पहला मुद्दा? देखिए, सबसे पहला मुद्दा यही है कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं वो भी अपने स्तर से काम किए, जितनी समझदारी थी, जितनी उनकी योग्यता थी, आज उस हिसाब से वो अपना डीलिंग किए हैं। और यहाँ पे जब इस तरह की जब नगर पंचायत हुई तो 2 वार्ड मिला करके 1 वार्ड बनाया गया, इसमें यहाँ के जनता की च्वाइस हुई, जो कि हमारे वार्ड में SC ST का वार्ड है। यहाँ पर सरकारों द्वारा बहुत सारा योजना आती है, जिस योजना की लाभ हम लोगों तक नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो जानकारी उतना प्रतिनिधि नहीं रहने के कारण हम लोग का जितना भी ये आता है फंडिंग आता है वह पुनः दूसरे वार्ड में चले जाता है, वह अन्य प्रकार से जो है तो बंदरवाट हो जाती है। इसमें अच्छे प्रत्याशी के रूप में सर आप यहां से चुनाव लड़िए। आप कह रहे हैं आप खुद नहीं, जनता ने आपको, हमको जनता ने ये बुलाया, क्योंकि हम जी हम वार्ड नंबर 13 के रहने वाले हैं। कितने प्रत्याशी हैं यहाँ पे? हम लोग 5 प्रत्याशी। कैसे 5 में आपको एक नंबर पर लाने के लिए जनता कोशिश करे, क्यों करे,
वजह क्या रहेगी चार प्रत्याशियों में और क्या कमी है कि पांचवे ऑप्शन जो है सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी बने? देखिए, सबसे पहले आती है शिक्षा, जिस चीज की जानकारी होनी चाहिए, जो सच्चे जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो विधि व्यवस्था को समझेंगे, जानेंगे, तब तो अपनी जनता को रूबरू करवाएंगे। क्या जी ठीक कह रहे हैं आप लोग, क्या प्रत्याशी जो है हमारे रुपए सही प्रत्याशी हैं, सही समस्या क्या है यहाँ का? यहाँ का जो अति है कमजोरी और जो चीज नहीं मिलते हैं, इसीलिए उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, सरकारी लाभ नहीं मिलता है। आप लोग क्या अनुभव कर रहे हैं? नगर पंचायत तो बनाया गया है, कितना परिवर्तन की आस आप लोग लगाए बैठे? देखिए, सभा लेकर उठता है कि पहली बार तो नगर पंचायत बना है और परिवर्तन कितना होगा ये तो जनप्रतिनिधि लोगों पर आधारित है, वो कैसे इसको विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। जनता क्या सोच रही है चुनाव में, कैसे व्यक्ति को मतदान दिया जाए? जनता तो यही सोच रही है कि हमारा हर हालत में विकास हो, लेकिन हो नहीं पाता है ना, हो नहीं पाता है, सुने ना, हो नहीं पाता है। इसकी वजह क्या है कि प्रत्याशी के पास चुनाव के वक्त बहुत मुद्दा होता है, सारा विकास करा देते हैं, जुबानी विकास करवाते हैं, लेकिन बाद में कुछ हो नहीं पाता है, इसलिए विश्वास करे जनता। इसलिए विश्वास जो है तो करने का एक ही चीज है कि आप यदि यहाँ पे हमको जिस हिसाब से आप चुन करके एक वार्ड से दूसरे वार्ड में लाए हैं, तो उसके साथ साथ हम उसकी आवाज को खड़ा उतरने का कोशिश प्रयास करेंगे, और क्या है कि आगे भविष्य में जिस हिसाब से सरकारों द्वारा शेड्यूल चलाई जाएगी, उस शेड्यूल के हिसाब से फ्लो करते हुए अपनी जनता को जो है तो अपने आवाज की ओर, विश्वास की ओर लेकर के चलना है, जिससे कि हमारी जनता परेशान ना हो। तो ये तमाम जो है समस्या है वार्ड नंबर 8 की, और देखने वाली बात होगी कि आखिर 8 नंबर वार्ड में जो प्रत्याशी जीतते हैं, जिसे जनता जिताती है, वो कितना सुधार कर पाते हैं। प्रत्याशियों की होड़ लगी है और जनता भलीभांति समझ रही है कि उनके लिए विकास का प्रमुख चेहरा कौन है। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि आखिर सोनबरसा 8 नंबर वार्ड से जनता ने वार्ड पार्षद के रूप में किसका चयन किया है। कैमरा पर्सन प्रभास के साथ मैं अभिषेक कुमार।